झांसी में थाना बबीना क्षेत्र के झरझर घाट के पास ललितपुर हाईवे पर कार सवार परीक्षार्थी समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। ललितपुर जनपद से पुलिस भर्ती परीक्षा देकर महिला अभ्यर्थी अपने रिश्तेदार और दोस्त के साथ कार से वापस लौट रही थी, तभी स्विफ्ट डिजायर कार अचानक से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। चीख पुकार की आवाज सुनकर राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करके कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को उपचार के लिए आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान अभ्यर्थी रितु यादव और उसके दोस्त शैलेंद्र यादव की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। झांसी SSP राजेश एस ने बताया कि स्विफ्ट डिजायर कार में 3 लोग सवार थे, अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक पुलिस भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी थी जो जालौन के एड थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। अभ्यर्थी रितु यादव ललितपुर जनपद में यूपी पुलिस का एग्जाम देकर अपने रिश्तेदार और दोस्त के साथ कार से लौट रही थी, तभी रास्ते में ये घटना हुई। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई। ये विवेक यादव नाम है, बुरावली के थे, हमारे बुआ जी के लड़का थे और इनकी मौसी भी थी। ये लोग पेपर देने गए थे, तो पेपर दे के आ रहे थे, तो रास्ते में मतलब उन्होंने लेफ्ट ले ली किसी गाड़ी से, 4-व्हीलर से, तो उससे जो भी हुआ वो हम लोगों को तो इमरजेंसी में पता चला, एम्बुलेंस लेके आई है। उसकी ड्राइवर जो चला रहा था उसकी वहीं पे मौत हो गई। भैया यहाँ आया जब हम लोगों को पता चला। ये अभी तो हम लोगों को मतलब जो हमारा बुआ जी का लड़का है वो हो गया ख़त्म, विवेक यादव, मौसी जी हैं वो क्रिटिकल कंडीशन है उनकी अभी, और एक लड़का जो चला रहा था पता नहीं कौन सी गाड़ी थी वही चला रहा था, उसी की गाड़ी थी, ये लोग तो उस पर लिफ्ट लेके आए। आज झांसी जनपद में थाना बबीना क्षेत्र अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जो अनियंत्रित होकर डिवाइडर में चढ़ गया है और उसमें 3 व्यक्ति सवार थे, उसमें एक परीक्षार्थी थी जो 8 थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली थी, जो जालौन जनपद की थी। उनको फीमर बोन फ्रैक्चर है और इलाज के लिए यहाँ पे एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे एडमिट किया गया था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। ऑन द स्पॉट उनका परीक्षार्थी का रिश्तेदार भी और उनका फ्रेंड भी थे, 2 लोगों को भी अभी मृत्यु हो गई है। तो कुल इस एक्सीडेंट में तीनों सवार थे, तीनों को मृत्यु हो चुकी है। इसमें परिवार को सूचना दिया गया है, अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। सर कहाँ से लौट कर रहे थे? ललितपुर जनपद में परीक्षार्थी एग्जाम दे के अपना रिश्तेदार और उनका एक मित्र के साथ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से लौट रहे। जैसे आपने पहले बताया कि ये गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर में चढ़ी है और अन्य कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल रहा है।